सबसे पहले तो आपको 27वें रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज जो ये स्टार नाथ खां का सिलसिला है, ये हमारा आखिरी क्वार्टर एक फाइनल है, बात ये, कल सेमीफाइनल है, और फिर परसों जो है वो हमारा यहाँ पे फाइनल होगा। और हमारे जज साहिबान भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आते हैं, और आजकल इन्होंने छुरियाँ बड़ी तेज़ की हुई हैं जी, दोनों हमारे तीनों अच्छा जजेज़ ने, हमारे एहसान बिन खुर्शीद साहब, ताबिंदा आपा और रिजवान भाई, तीनों ने छुरियाँ काफ़ी तेज़ की हुई हैं। इसलिए भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं माजत चाहता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा जिम्मा तो होशपोश है। अब देखना यह है कि हसीब खान काशान अहमद में से आज कौन आगे जाते हैं, और फिर देखना यह है कि कल वो कौन होता है जो मज़ीद आगे जाता है फ़ाइनल में, और फिर फाइनल में जो स्टार नाथ खां जिसकी तलाश हमें पहले रोज़े से है वो कौन है, ये देखना है। तो शुरू करें भैया, बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम। आज भी टास्क है टास्क तो होगा एक। जी, थोड़ी सी बातें मैं कर रहा हूँ। और क्या हुआ, खैर है? मुझे कुछ पता नहीं चला अच्छा जी। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि आप तक ये जो हमारा स्टार नाथ खां का सिलसिला है, ये पहुंचाने में कोलगेट मसवाक स्पॉन्सर करता है, और कोलगेट मसवाक आपको दे रहा है उम्रे की सादत हासिल करने का मौका। ये मौका चलो 25 अप्रैल तक बाहर आप से बात हासिल कर कीजिए, सकते हैं। स्पॉन्सर पैक पे करा दो मौजूद मुझे। एक नंबर है जिस पे आपने मिस्ड कॉल देनी क्या है बोले, और क्या बोले, शामिल हो जाना है कुरानदाजी में। कुरानदाजी में शामिल होने के बाद किसी एक खुशकिस्मत को मौका मिलेगा उम्रे की सादत का, और जनाब सादत उम्रे की और खूबियां मसवाक की। तो हम शुरू कर सकते हैं जी, शुरू करें सिलसिला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले हसीब हैं और हमारे साथ काशान हैं, तो एच पहले जी हसीब। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया वजिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सलमा आपा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। काश वो चेहरा मेरी आँख न दे। तकदीर ने उस दौर में माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। काशान आपकी बारी है बेटा। ये माइक चेक कीजिएगा जरा दोबारा बेटा, टाइम लगाएं जी, बिस्मिल्लाह। जी। खुशबू
जिस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा खैरात मुझे محبت کی عطا محبت کی عطا کے آیا ہوں تیرے در پہ بدام سے بیان ماشاءاللہ جی تین پرچیاں میرے پاس ہیں اب دیکھتے اچھا کھولیے گا مت جب تک آپ کو جج صاحب نہ کہیں بس اٹھا کے یہاں اوپر رکھ دیں اٹھا کے یہاں اوپر رکھ دیں پہلے آپ کی باری ہے ٹھیک ہے دیکھیں کیا ہے اس میں माइक में बताएं मन का वत जी बिस्मिल्लाह बेटा मन का वत कोई सुना है सरकार हो से आजम नजर करम खुदारा सरकार हो से आजम نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری جی کاشان آپ دیکھیں کیا ہے پرچی میں حمد باری تعالیٰ بسم اللہ جی ایک طلب ہے ایک ہی خولا الہ الا ہو اب تو ہے بس تو ہی تو سامنے جب ہو میرے تو
माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मेरे प्यारे प्यारे जज साहिबान, आपने हमें प्यारा प्यारा कहा, कितना अच्छा लगा। नहीं नहीं, सारे प्यारे प्यारे माशाल्लाह। थैंक यू हसीब बेटा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन आप जो आपने पहला कलाम पढ़ा, काश आपने बहुत लंबा कर दिया, ज़रूरत नहीं थी। और बीच में एक जगह ज़रा सा मुझे लगा कि आप जगह लेने में फंस गए, लेकिन जो आप मनकबत थी उसमें बेटा आपने कई जगह आपकी सांस टूटी, खा और खाली के वक्त हो और जगह, या तो आप बहुत तेज़ पढ़ रहे थे या आप सांस, ये मैं देखा नात खानों में एक सांस से पढ़ना ज़रूरी है उनके लिए। और इस ये जो मॉड्यूलेशन जिसको कहते हैं ना, कि आप जगह बनाएं कि ये जुमला कहा, इसमें स्पेस दिया ये जुमला, तो आप इतना खूबसूरत, हमें हम तो अपना ऐप छुपाते हैं क्योंकि हमारे सांस हो नहीं रही है, लेकिन वैसे भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि बुनत बनती है, खूबसूरती बनती है, ठीक है। और बेटा काशान, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपके अंदर दोनों चीज़ें अच्छी थी। एक जगह आप नाक में भी, एक जगह आप भी सुर से उतरे थे, लेकिन आपने उसको कवर कर लिया था। जी आसान भाई, अच्छा रिजवान भाई पे पहले आ जाऊँ फिर आ जाऊँ। ठीक। हसीब और काशान माशाल्लाह, दोनों ने इंतखाबे कलाम बहुत अच्छा था दोनों का, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। हसीब, आपने तलफ़ुज़ की कुछ गलतियाँ की हैं, जैसे उस दौर है, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, आपने पढ़ा था उस दौर में लिखा होता, तो दौर और दौर में फ़र्क है। और माशाल्लाह कंट्रोल अच्छा था आपका, और अच्छी कोशिश से आपने उसको पढ़ने की निभाया भी बहुत अच्छे। और दूसरा कलाम आपने मनकबत थी, चूँकि आपने उसको टेम्पो में पढ़ने की कोशिश की थी, तो अपने तई आपने बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। काशान अहमद खुशबू है दो आलम, स्टार्ट थोड़ी सा उनकी स्टार्टिंग लाइन जो थी अस्थाई, थोड़ी सी कमज़ोर शुरू हुई, लेकिन आगे चल के उसको उन्होंने अच्छा निभाने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। अच्छा, एक लफ्ज़ है मोहब्बत, तो इसको आपने पढ़ा मोहब्बत, और फिर हमें मोहब्बत ही है, लेकिन जब कॉम्पिटिशन में पढ़ा जाए तो कोशिश किया करें, इस चीज़ के भी नंबर्स होते हैं, मोहब्बत दूसरा, और बाकी जो हमदे बारी ताला आपने उसमें अच्छा माशाल्लाह अंदाज पेश किया। ये जो गलतुल आम है ना, ये बड़ी मजबूरी है। आपा का माइक ज़रा सही कर दें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब खान माशाल्लाह, आपा से मेरी अभी ये बात हो रही थी, हम के बच्चे कोशिश करते हैं कि उन्हीं कलामों को रिपीट करें, हैं कि उन्हीं को पढ़कर हम ज्यादा नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप नए कलामों की तरफ भी जा सकते हैं, बेहतरीन कलाम और भी मौजूद हैं शोरा कलाम के भी और नात खान हज़रात के भी। कलाम का इंतखाब अच्छा था मुकाबले के हिसाब से, टेम्पो बहुत ज्यादा स्लो था आपका हसीब, मतलब बहुत ज्यादा ही स्लो हो गया था, जिसकी वजह से फील चली गई थी उसकी पूरी। और तलफ्फुज़ का थोड़ा सा आपका जो है अदायगी में वो आता है, और वाइब्रेशन आप थोड़ी सी ज्यादा करें आवाज में, तो उसको कोशिश करेंगे ये कम हो, आपकी आवाज उसको एंड तक लेकर जाए। बाकी आपने जो टास्क के अंदर था, वो टास्क मेरे नज़दीक उस मेयार का नहीं था जिस हिसाब से आपने नाशरी का नजराना पेश किया। काशान अहमद माशाल्लाह, आपका कलाम भी वही जो हमारे अकाबरीन का पढ़ा हुआ कलाम है और हमेशा मुकाबलों में पढ़ा जाता है। नेज़ल आपकी वॉइस थोड़ी सी हो रही है, तो इसका ख्याल करें। नंबर सेकंड अस्थाई के अंदर, जिस तरह हमारे भाई रिजवान ने भी बताया कि अस्थाई में बेसुर हुए आप एक जगह, और लेकिन माशाल्लाह कंट्रोल अच्छा है, और थोड़ा सा और फोर्सफुली आते तो और ज़्यादा फील आ जाती। बाकी जो टास्क था आपका, वो बेहतरीन अंदाज में आपने पूरा किया, और एक बड़ा खूबसूरत हमदिया कलाम है, और बड़े काफ़ी अरसे बाद मैंने भी सुना इसको माशाल्लाह। तो माशाल्लाह नंबर्स मैंने और आपा ने तो दे दिए, मैं रिजवान से कहता हूँ कि नंबर्स अपने भी मुझे दें ताकि मैं उसमें को प्लस कर सकूँ। उसके बाद मेरे बारे में बहुत सी बातें भी होती है, बट क्या करें, ये है वो है ना, सच बात पे मिलता है सदा जहर का वाला, जीना है तो फिर जुड़ते इजहार ना मांगो। बस जी, रिजल्ट निकला है बिल्कुल जी, मुबारक हो माशाल्लाह। हम तीनों के जो कंबाइन रनर अप के साथ चेज़ब जाएगा जी, ये तो मैं बता दूं, जो भी रनर अप होता है। और जजेस के साथ क्या जा रहा है? जजेस के साथ हम जाएंगे यार। नहीं, आपकी दुआएं, आप हमें इज्जत तकरीम दे दें, वही बहुत। वाह वाह वाह, नहीं नहीं, अल्लाह खुश रखे आपको जी। फैसल भाई, रिजल्ट आ गया तीनों के, 60 नंबर्स में से 20-20 नंबर हम तीनों के हैं, और उनमें से आज थोड़ा सा मुकाबले में
ईजी हो गया, ईजी हो गया, ईजी हो गया था। तो नंबर्स के हिसाब से जो हमारे फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं, मैं फर्स्ट बताया था ताकि दो ही आज और एक ही ने आगे जाना है। काशान अहमद 51 नंबर्स लिए आउट ऑफ 60 और हसीफ खान ने लिए 47 नंबर्स आउट ऑफ 60। तो काशान अहमद हमारे साथ जा रहे हैं सेमीफाइनल में। हसीफ बेहतरीन पढ़ने वाले हैं आप और ये मुकाबले का हिस्सा है, कुछ चीजों के ऊपर नंबर्स के ऊपर होता है, तो आप इससे बिल्कुल दिल बर्दाश्त नहीं होना। आपने और मेहनत के साथ जिंदगी में और कामयाबी के साथ सरकार की नाक पढ़नी है इंशाल्लाह। शुरू है बेटा, बहुत लंबा सफर है। जी आपा, थैंक यू आप लोगों का, कांग्रेचुलेशन, आपको मुबारक, हार्ड लक हसीब, हार्ड लक। होता है कभी कभी दिन होता है यार, होता है, ऐसा होता है। अरे बिल्कुल है। और टास्क का मकसद ही है हमारा सिर्फ था, उससे थोड़ा सा हमारे लिए भी आसानी हो गई और बच्चे खुद भी, आप जब जाके इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर या जब भी आप देखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम जिसने जो करना था लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।